ये वीडियो में मैं तुम लोगों को भर भर के अपडेट्स देने वाला हूँ कल के मूवी को लेके। भाई जो इवेंट होने वाला है ना 22 तारीख का, मुझे लगता है कि ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज का ना सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं बाबा, मींस आज से पहले ऐसा तुम लोग मेगा इवेंट ना नहीं देखे होगे। इस लेवल का ये फिल्म का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेकर्स। और इसके अलावा जो अपना बूजी कार है ना उसको लेके भी अपडेट आ रही है। मतलब अब ये कहना गलत नहीं होगा यार कि हॉलीवुड की लंका लगने वाली है। मीन्स हॉलीवुड का ना अब हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज, इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में एल लगाने वाले हैं। वो अब जमाना चला गया कि अब हम हॉलीवुड की फिल्मों को देख के बोलेंगे वाव यार कितना वो लोग ब्रिलियंट चीज़ों को बनाते हैं। अब भाई सीना ना कल की मूवी को देखने के बाद एकदम चौड़ा हो जाएगा भाई। हम लोग भाई गर्व से बोलेंगे दिस इज माई इंडियन फिल्म मैन। और भाई ऐसा है कि ये फिल्म ना, एक होता है कि इंडियन फिल्म तो है, ये तो एक प्राउड वाला मोमेंट है ही, बट इसके साथ साथ तो जो हमारा इतिहास रहा है ना उस पर फिल्म बन रही है मॉडर्न तरीका से। ये मेरे को ना अंदर से ही ना भाई बहुत ही प्राउड वाला वाइब दे रहा है। आई डोंट नो मेरे तुम फीलिंग्स को समझ पा रहे हो या फिर नहीं पा रहे हो, बट हाँ मेरे भाई ये प्राउड वाली मोमेंट वाली सारी चीज़ें है ही। मतलब सोचो ना यार कि कल की हमारे भगवान से ये कैरेक्टर प्रेरित है। इसके साथ साथ जो कल की भगवान एक पैरट रखते थे उससे रेफरेंस लेके पूजी के दिमाग को बनाया गया है। देन इसके अलावा एक और अपडेट ये निकल रही है, कल की भगवान के पास एक घोड़ा हुआ करता था, उस घोड़े के रेफरेंस से ना ये बूजी जो कार है उसको बनाया गया हुआ है। और जो अपना ये बूजी जो कार होने वाला है, ऐसा कार बताई जा रही है कि हॉलीवुड में भी तुम सबने नहीं देखा होगा। क्या बात कर रहे हैं। इसके अलावा अपडेट ये निकल रही है कि जो इवेंट है ना, इवेंट में इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे एक्टर लोग तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं। और एक्टर लोग की बात चली रही है तो मैं तुम लोग को एक और अपडेट देता जाऊं, ये फिल्म में नयनतारा मैम का भी कैमियो होने वाला है। इसके अलावा ना कमल हसन सर के भी कैरेक्टर को लेकर ना काफी बड़ी अपडेट्स निकल रही है। अपडेट ये आ रही है कि कमल हसन सर का ना पार्ट वन में ना 20 मिनट का रोल होने वाला है, बट वहीं पार्ट टू में ना इनका रोल ना एक्सटेंड कर दिया गया है, 90 मिनट्स का बताई जा रही है इनका रोल होने वाला है। और कमल हसन सर का जो रोल है ना वो कल के क्लाइमेक्स के आसपास ही आने वाला है, आएगा कुछ धूम धड़ाका करेगा, नेक्स्ट पार्ट के लिए एक हाइप क्रिएट कर देगा ये रोल। देन उसके बाद इनके रोल सेकेंड पार्ट में ना तगड़ा लेवल पे कंटिन्यू होगा। और वन सेकेंड में बोलना चाहता हूँ, प्रॉपर ये फिल्म यूनिवर्स टाइप से बनता हुआ दिखाई देगा। तुम लोग का ये लिख कर रख लेना, कल की 2898 AD एक प्रॉपर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स होती हुई दिखाई देगी। यही वजह है ये फिल्म में भर भर के स्टार लोग जुड़े हैं मैन, भर भर के। और बहुत ऐसे ताज्जुब वाली बात है मैं तुम लोग को बताऊं, बहुत ऐसे स्टार लोग हैं ना जो फिल्म को करने के लिए पैसे तक नहीं लिए, जैसे दुलकर सलमान फ्री में, नानी सर का बताई जा रही है वो भी फ्री में, क्योंकि नागास्मी नानी सर तो भाई फ्रेंड ही है, उन लोगों का बात ही छोड़ो। देन विजय दौराकोंडा का जो बताया जा रहा था भाई ने भी फ्री में करा हुआ है, नयनतारा मैम का भी फ्री में चल रही है, और भी बहुत सारे जो एक्टर लोग हैं ना साउथ साइड के, सबने लगभग लगभग ये लोग से जितना इसमें कंट्रीब्यूशन ये लोगों ने दे पाया है उतना दिया है। मतलब सब चाहते हैं दिल से यार कि ये जो बड़ा सिनेमा बन रहा है ना इसका पार्ट वन हो। बाकी यार इस पर तुम्हारा क्या कहना है, अपना ओपिनियन तो लोग कमेंट करके जरूर बताना। कौन कौन भाई 22 तारीख को जा रहा है अपने इंडियन सिनेमा को सेलिब्रेट करने के लिए रामोजो फिल्म सिटी में, कल की के इस इवेंट में? ये इवेंट तो भाई बाप लेवल का इवेंट होने वाला है।